हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेलगांव से। मेरा नाम है आशा और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ। और सुबह से लगे थे काम पैर, तो वीडियो अभी बना रही हूँ मैं। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम दिखाती हूँ मैं। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, अच्छी धूप भी खिली है और बादल भी छाए हैं और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और केदार घाटी में तो हमेशा बारिश लग रही है और इस तरह से है, पूरा बादल छाए हैं अभी आसमान पे। और यहाँ पर रखी है बड़ी भिजाने के लिए और गर्म पानी में रखी है। और यहाँ पर जो डाल रखे मेरे सुखाने के लिए, तो अभी थोड़ा सूखेंगे। अभी लग रही धूप सुबह से, तो आसमान ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश लगेगी। और अभी डाले मैंने ये धूप सुखाने के लिए। और आप लोग वीडियो में बने रहना। और अब चलते हैं किचन गार्डन में। और हमारे पहाड़ों में सगोड़ा बोलते हैं, तो क्या क्या कर रखा है जंगली सुअरों ने रात को वहाँ। और अब चलते हैं और किचन गार्डन में भी आ गई हूँ मैं। आप लोगों को पहले मैं आलू की क्यारी दिखाती हूँ और जंगली सुअरों ने कैसे डाल रखे हैं आलू और सब बर्बाद कर रखे हैं। और ऐसे कर रखा जंगली सुअरों का, और ऐसे पूरी आलू की क्यारी ऐसी डाल रखी है और ऐसे बर्बाद कर रखे हैं। और एक सगोड़ा ये था और ये नीचे था, एक यहाँ भी बर्बाद कर रखा है। और इधर मैं प्याज की क्यारी बना रखी थी, तो ये बंदर ने उखाड़ा खाड़ के बर्बाद कर रखा है। और एक क्यारी मेरी मूली की बना रखी यहाँ पर, तो मूली भी इतनी बड़ी हो गई है, इस तरह से बना रखी है। और बीच बीच में मेरे आलू भी लगा रखे हैं। और केदार घाटी का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी बारिश लग रही थी, तो अभी थोड़ा हल्की सी धूप लग रही है और लगातार केदार घाटी में ठंडा ही हो रहा है। और अभी इस तरह का मौसम है। और यहाँ पर प्याज की क्यारी बना रखी है और यहाँ भी बंदरों का आतंक मचा रखा, तो ये प्याज भी खा रहे हैं बंदर। और यहाँ पर बो रखी मेरी फ्लास बीन के पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं। और अब करूँगी मैं इन फ्लास बीनों के, और हमारे पहाड़ों में छे भी बोलते हैं, तो अब करूँगी मैं इसकी गुड़ाई। और ऐसी हवा हो रही केदारनाथ घाटी में, और तभी बारिश लग रही, तभी गोले पड़ रहे हैं और तभी धूप लग रही है। और मेरी सुअरों के लिए इतनी बाढ़ कर रखी है, ऐसी धोती चुन्नी लगाई, तो तभी भी जा रहे हैं वो। और ऐसा है, ऊपर भी मेरी क्यारी बना रखी है। और हमारे यहाँ गेहूँ भी पकने वाले हैं और जंगली सुअरों ने पूरा बर्बाद भी कर दिया है। सोचा भी नहीं था कि ऐसे करेंगे, ये हमारी मेहनत सारी बर्बाद कर दी इन जंगली सुअरों ने। अब पूरा ऐसा बर्बाद कर रखा खेतों का। और इस तरह से हो रखी है, अब दो चार दिन में पक जाएंगे ये गेहूँ भी। और यहाँ पर बो रखा मेरा धनिया, तो यहाँ से मैं धनिया भी ले जाऊँगी घर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड माँ। ऐसी प्योली फूल रखी है यहाँ केदार घाटी में। और इस तरह से हैं, प्योली बोलू बुरा सी बोलू बोलते कि क्या बोलू। और वहाँ से लगा रखी मेरी धोती ऐसी जंगली सुअरों के लिए, और यहाँ तक लगा रखी, तभी भी वो अंदर जा रहे हैं और ऐसे बर्बाद कर रहे हैं आलू की खेतियों का। और क्या करना, अब रात में 1-2 बजे आ रहे हैं वो। पहली बार देखे मैंने इतने जंगली सुअर भी, और ऐसे आतंक मचा रखा उनकी गेहूँ की खेती और आलू की खेतियों का, लोगों का सारा बर्बाद कर रखा है।
और ये आलू भी लोग बाजारों से खरीद के लाए तब लगाए तो पूरा बर्बाद कर रखा है। कहाँ है वहाँ तुम? ये फाटा से आ रही है दोनों, ये घूमने जा रहे थे केदारनाथ में, डन्नी करनी डालने जा रहे थे, बल ये सुबह चले गए थे, अब ये आ रहे ये। और ऐसे आलू का बर्बाद कर रखा है इनका, ऐसे छोटे छोटे दानों का, और ऐसे कर रखे जो आलू के पौधे हैं वो ऐसे सूख रखे हैं, और ऐसे बर्बाद कर रखा है इनका। पूरी आलू की क्यारी ऐसे डाल रखी है, इस तरह से कर रखा। और अब करूँगी मैं इस छियमी की गुड़ाई, और हमारे यहाँ इनको छियमी बोलते हैं, और ये फ्लासबिन बोल रखे मेरी, और अब इनकी गुड़ाई करूँगी मैं। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय।